हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजीटीज। ये वीडियो कोई ऑफिशियल अपडेट अनाउंसमेंट वीडियो नहीं है। काफ़ी दिनों से मेरी यूट्यूब वीडियोस के कमेंट में एक क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा था कि दी क्या नीट 2021 के रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स रिलीज हो गए हैं। तो उन बच्चों का रिप्लाई देते हुए मुझे ऐसा लगा कि ये हर बच्चे का डाउट है, इसीलिए मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। नीट 2021 के रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स अभी तक रिलीज नहीं हुए हैं, जब भी रिलीज होंगे मैं आपको अपडेट कर दूंगी। तो इसीलिए बार बार अपडेट चेक करने पर अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करिए, ठीक है। अगर आप NTA की ऑफिशियल वेबसाइट NTANEET.NIC.in पर भी चेक करें तो वहां पर भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म से रिलेटेड अभी तक कोई अपडेट नहीं मिली है। तो इसीलिए अभी आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज नहीं हुए हैं। हालांकि एक सजेशन मैं आपको जरूर दूंगी कि अपनी पासपोर्ट साइज स्कैन फोटोग्राफ रेडी रखना, जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि नीट के रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने में जरूरी होते हैं, उनकी लिस्ट तैयार कर लो। जो जो स्कैन कॉपी चाहिए आपको वो अपने पास रेडी रख लो। अपना फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, आपकी क्लास 12th की मार्कशीट की स्कैन कॉपी, जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है सब अपने पास तैयार रखो, ताकि जैसे ही रजिस्ट्रेशन डेट्स रिलीज हो आप रेडी रहो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। कोई जल्दबाजी नहीं है, अपनी तैयारी करते रहो, जब भी फॉर्म्स रिलीज होंगे आपको अपडेट मिल जाएगी, ठीक है। और अभी तक अगर आपने तैयारी शुरू नहीं करी है तो मैंने आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट्स की सिलेबस कैटेगराइजेशन वीडियो भी अपलोड करी हुई है। PDFs का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रही हूं। जीरो लेवल से तैयारी शुरू कर रहे हो तो ईजी चैप्टर से पढ़ना शुरू करो, ईजी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पहले कवर करो। वो ईजी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उन चैप्टर्स को देखो और तैयारी शुरू करो, ठीक है। फॉर्म्स जैसे रिलीज होंगे मैं आपको अपडेट कर दूंगी। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।